हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या हुआ है, आसाम के अंदर कोई नई फैमिली प्लानिंग होने जा रही है क्या? अब देखो भाई, हेडलाइन तो कुछ ऐसी सी है। आप सामने देख सकते हो कि आसाम के जो सीएम हैं, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, हेमंता बिश्वा जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को लेके काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने पूरा पूरा आर्टिकल कवर किया हुआ है। तो हम लोग जरा बात करेंगे कि इनका स्टेटमेंट क्या है और ये किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ये आपके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम के फर्स्ट स्टेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, एनी एग्जामिनेशन, या फिर अगर आप आंसर राइटिंग में भी जाते हैं, वहां पे भी आप इस पर्टिकुलर चीज को कोड कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज गाइज, डू शेयर द थिंग्स, क्योंकि देखो ये टॉपिक्स आपके लिए कवर किए जाते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी सेक्शन आता है, अगर आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है, यानी कि आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से है, तो वहां पे कवर की जाए। जो आपके वन लाइनर के फॉर्म में, वो आपके वन लाइनर के फॉर्म में। चलिए आइए बात करते हैं हुआ क्या है। देखिए, आपको मालूम होगा NRC के बारे में, एक बार से जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRC, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी, मैंने तो आपको हजारों बार पढ़ा दिया। नाउ इट्स योर टर्न। देखिए, जब हम मैप देखते हैं, एक बार से पहले मैप देख लो, है ना, क्योंकि जब मैप देखेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। आप ये मैप देख सकते हो, इस मैप में आपको आसाम की लोकेशन दिख रही है और आसाम के बगल में अगर आप देखें तो दिस इज नागालैंड और इधर के साइड पर आपको म्यांमार नजर आ रहा है। नीचे के साइड पे देखोगे तो मेघालय है और मेघालय के नीचे कौन सी जगह है, बांग्लादेश, ठीक है, ऊपर अरुणाचल है और यहाँ पे भूटान है। अब हुआ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो अलग अलग कंट्रीज इनके पास में आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आसाम के अंदर आते हैं। वैसे तो आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक NRC रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी कि नेशनल लेवल पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजन्स की एक प्रॉपर लिस्ट को तैयार किया जाएगा। क्या होगा इसके अंदर, उसको ज़रा समझा देते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये जो रिपोर्ट तैयार करने की बात बोली गई थी, ये रिपोर्ट सबसे पहले तैयार करने के लिए जिस स्टेट को चुना गया था, वो स्टेट कौन सा था, वो स्टेट था आसाम। इसके अंदर होना क्या था, इसके अंदर सभी लोगों का जो डेटा है जो आसाम के अंदर रहते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना था, मेंशन करना था। आसाम के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना बिलोंग करते हो, उन सब के बारे में यहाँ पे प्रॉपर डेटा चाहिए था, यानी कि आप कह सकते हो एक रजिस्टर बनाना था। स्कूल में होता था ना कि जो टीचर होती थी वो रजिस्टर बना के रखती थी कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, तो उसका पूरा का पूरा डिटेल उसके पास में हुआ करता था, टीचर के पास में। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने क्या किया, एक रजिस्टर बनाने के बारे में सोचा था। अच्छा, अब आसाम के अंदर इसकी शुरुआत हुई। अब आसाम के अंदर जब यहाँ पे सारा का सारा डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या करना था, आप भारत के नागरिक हो, आपको इसका प्रूफ देना था। अब कैसे पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं है, तो इसके लिए आया था क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपको याद होगा कि 2019 में, 2020 में भी काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इसके अंदर बोला गया था कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और भारत के अंदर अगर वो 5 सालों तक रह चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन ये माइनॉरिटी कौन होंगे, अल्पसंख्यक कौन होंगे, तो इस वाले एक्ट के अंदर कहा गया था हिंदू, इसके अलावा सिख, फिर हो जाएंगे क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट। ये जो लोग हैं इनको माइनॉरिटी की कैटेगरी के अंदर रखा गया, किस वाले एक्ट में, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रखा गया है, कहीं और की बात नहीं, सिर्फ इस एक्ट की बात हो रही है। तो इसमें बोला गया कि अगर ये लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से भारत के अंदर आते हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पे रखी कि आप भारत के अंदर अगर आए हैं, भारत के अंदर अगर आप आए हैं तो दिसंबर 2014 से पहले आप इंडिया के अंदर आए हो, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बात यहाँ पे बोली गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, लोगों ने अपना जो प्रॉपर एक होता है ना कि आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लोगों ने अपना यहाँ पे डेटा जो है वो सबमिट करना शुरू किया, क्योंकि भाई
रिपोर्ट तैयार होगी, और अगर आपका जो डेटा है वो इनकरेक्ट होता है या फिर अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि आप आसाम के ही रहने वाले हैं, तो आपको दूसरी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आप जहां कहीं से भी बिलोंग करते होंगे। लेकिन ये नहीं पता कि पता कैसे चलेगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा कोड करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पे रिपोर्ट बनना स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर तो देखो प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। क्यों प्रॉब्लम आई, देखिए रीज़न क्या था, आसाम जो स्टेट है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ओके, और इस रिवर की वजह से आप जानते हैं कि कई बार यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास में जो पूरा डेटा था वो सारा का सारा उनका डेटा क्या हो गया, बह गया, और क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास में तो प्रूफ ही नहीं था कि वो आसाम के रहने वाले थे कि नहीं थे। इसी के साथ तो सबसे बड़ा पंगा तब हो गया कि जब एक आर्मी ऑफिसर को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ा कि वो आसाम का रहने वाला है। यार मतलब खैर, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं जिसकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, उनको यहाँ प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो भारतीय हैं, क्या बोला जाए। तो यहाँ पे ये इशू जब आया था ना, 2019 की बात है, अभी की बात नहीं है, तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया, डेटा तैयार होना स्टार्ट हो गया। डेटा तैयार होने के बाद में कहा गया कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपना डेटा नहीं दे पा रहे हैं, उनको उनकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो बता दें। तो इसी बात को लेके आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे केसेस हुए, काफ़ी सारे आपने देखा कि धरना प्रदर्शन हुआ दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा शाहीन बाग वाला केस आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हुई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हुई। कमेंट बॉक्स में ज़रा मेरे को लिख के बताना कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो इंडिया के अंदर सबसे पहली बार कब आया। चलो, डेटा तैयार होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, डेटा तो तैयार होना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर इसमें से क्या डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं और जिनके पास में प्रॉपर डेटा नहीं है कि वो कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनको आसपास की कंट्रीज में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद में, अब भाई वी आर द इंडियंस, तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें कहा गया कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन लोगों को इनकी कंट्री में भेज देंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट आता है, अतिथि देवो भव, यानी कि अगर कोई हमारे देश के अंदर माइग्रेट करके आया है तो हम उसे इस तरीके से वापस नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो ये जो डेटा है और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके ऊपर कोरोना का साया पड़ चुका है और इसको उस समय पर रोक दिया गया था क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। तो ये उस टाइम पे सिर्फ आसाम के अंदर पूरा भी नहीं हो पाया था, लेकिन बाकी स्टेट के अंदर इसको कवर नहीं कर पाए थे, ये डेटा तैयार नहीं हो पाया था। अब क्या यहाँ पे बोला गया है, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हेमंता जी के द्वारा कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे आसाम के अंदर पॉपुलेशन आती जा रही है माइग्रेट करते हुए, इन लोगों को थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से आसाम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो पूरा का पूरा आसाम का एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी। तो इस बात के ऊपर यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर के अंदर इस चीज़ को कवर किया जा रहा है। आप ऑनलाइन कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिएगा, आपको सब जगह पे मिल जाएगा। तो फोकस इनका किस चीज़ पे, इमिग्रेंट्स मुस्लिम, यानी कि वो लोग यहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज से कहाँ पे आ रहे हैं, आसाम के अंदर इंडिया के अंदर चलते चले आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे इनका स्टेटमेंट आया। तो क्या आसाम के अंदर कोई नई पॉलिसी बनाई जाएगी, तो इस बात को समझिएगा। आसाम के जो सीएम हैं इन्होंने बोला है, सेट सोशल मिनासेस लाइक लैंड एंक्रोचमेंट कैन बी सॉल्व इफ द इमिग्रेंट मुस्लिम्स फॉलो अप फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स एंड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि सोसाइटी के अंदर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, ये चीज़ तभी ख़त्म हो सकती है कि अगर जो ज़मीनें हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको कैप्चर करना बंद किया जाए, उनके ऊपर ज़बरदस्ती के घर बनाने कम किए जाएँ, और जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, मतलब उनको नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट बर्थ देनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आसाम के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इनका स्टेटमेंट यहाँ पे बवाल वाला थोड़ा सा तब हो जाता है जब इन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया, क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में NRC पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कामाख्या टेम्पल पूछा जाएगा। इसके अलावा बस मुझे कमेंट बॉक्स में ये और बता दो, दो नए नए नेशनल पार्क्स आए हैं कहाँ पे, आसाम के अंदर, और आसाम जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, टोटल 7, दोनों नए वाले जो नेशनल पार्क है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। अब इन्होंने कहा क्या
ये जो पॉपुलेशन है जो बाहर के देशों में से आती जा रही है आसाम के अंदर, जिनकी वजह से हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो ये कामाख्या मंदिर तक पहुंच चुके हैं। अब ये मंदिर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा निलचर हिल्स के पास में, आपको इसकी लोकेशन मिलती है। यहाँ तक पहुंच चुके हैं और इन्होंने एक और लाइन इसमें जोड़ दी, इन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये जो पॉपुलेशन है ये मेरे घर तक भी पहुंच सकती है, यानी कि सीएम हाउस तक भी पहुंच सकती है। तो बस इसी बात को लेकर यहाँ पे जो एक इशू है वो क्रिएट हो चुका है। He also added, government wants to work for the minority Muslim community to reduce the population burden. इन्होंने ये बात भी मेंशन कर दी है कि जो सरकार है वो यहाँ पे काम कर रही है कि किसी भी तरीके से जो पॉपुलेशन का बर्डन है उसे हम कम कर सकें। अब देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। 2027 तक हो सकता है कि हम चाइना को बीट भी कर दें, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो चाइना की 3 child पॉलिसी जो आ चुकी है, तो अभी थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है यहाँ पे कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। इसके लिए इन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजुकेशन। लाइफ में हमेशा याद रखना, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, अगर आपके पास में शिक्षा नहीं है तो आप किसी भी जगह पे खड़े होने लायक नहीं रहते हैं आज की प्रेजेंट टाइम की सोसाइटी में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजुकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मुस्लिम वीमेंस को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, इतने पूरे में मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनका अच्छा लगा कि एजुकेशन इज़ मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो मुस्लिम वीमेंस हैं उनको अगर हम एजुकेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंशन है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो आसाम का जो एरिया है वो धीरे धीरे करके हर एक पर्सन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा पाएगा। क्योंकि जब मान लो कि इतनी सी जगह है, यहाँ पे लोग भरते चले जाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे, तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो क्या होगा फिर आगे, तो आप भी जानते हैं, समझ गए। तो ये इशू अभी यहाँ पे चल रहा है। अच्छा देखो आगे क्या बोला गया, द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम ऑफ द सेंट्रल एंड द लोअर आसाम, यानी कि आसाम का जो लोअर आसाम का एरिया अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, जिसके नीचे मेघालय था और मेघालय के नीचे बांग्लादेश था, वहां से जो लोग हैं वो माइग्रेट करके आ रहे हैं और ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, ठीक। अब इसमें जो इनकी पॉपुलेशन बताई जा रही है 31% ऑफ आसाम, यानी कि आसाम की जो पूरी आबादी है उसमें अगर आप देखोगे तो कितना परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे, 31% इस आबादी में कौन है, ये इमिग्रेंट मुस्लिम्स। यहाँ पर इन्होंने पूरा डेटा निकाला है, इसके बेसिस पे ये चीज़ कह रहे हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो इमिग्रेंट लोग हैं या नहीं है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन द पॉइंट इज जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज का। क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी स्टेट को अगर डेवलप करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे प्रॉपर क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज को बढ़ाया जाता है या फिर कोई नई पॉलिसी लाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सिक्किम के अंदर एक पॉलिसी आई थी, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे ये बोला गया था कि भाई एजुकेशन इज़ मस्ट, है ना। फिर यहाँ पे आसाम में भी एक पॉलिसी आई थी, तो हर स्टेट के अंदर ना कोई पॉलिसी आती रहती है। तो अभी देखने वाला होगा कि क्या यहाँ पर कोई नई पॉलिसी आती है कि नहीं आती है, या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए अलग से यहाँ पे कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा, या फिर ये जो एरियाज है जहाँ से माइग्रेशन होता है उन एरियाज के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बस सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा NRC के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सबसे पहले 1955 में आया था और उसके बाद में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, माइनॉरिटी किसे कहा गया और आसाम का मैप, ये 5 चीज़ें आपके पेपर के अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारना, और इसके अलावा अगर पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो पेड बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 4 month का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और इसी के साथ में अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। CET के भी क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगे, बाकी आपका टेस्ट होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले बर्निंग इशू में, और हाँ प्लीज़ एक बार से टेलीग्राम चेक करते रहा करिए। बाकी करेंट अफेयर्स के लिए डेली सुबह 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय एंड टेक केयर।